हाय हाय मार दिया साले ने मेरी तो हड्डी पसली तोड़ दी। हाय हाय मार दिया मुझे। हाय अल्लाह, ये कुत्ता कहाँ से आ गया। हट 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 हट। हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय कमबख्त, मैं तो सारा फूटा पड़ा हूँ पहले से ही। सर बच रहा था, उसे भी फोड़ दिया तूने। हाय अल्लाह वो कुत्ता। हाय साली कुत्ता बदला रही है मुझे। अब मैं कुत्ता भी हो गया है। अजी मैं तो कुत्ते को मार रही थी। हाय 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 फोड़ दिया। साली अब मैं कुत्ता हो गया। अभी बताता हूँ तुझे, दुश्मन कहीं की मुझे मार मूर के कुत्ता बतला रही है, ऊपर से बहाने बना रही है, बहाने। अजी तुम पूरी बात तो सुनते नहीं। मैं तुम्हें कुत्ता नहीं बतला रही, वो घर में कुत्ता आ गया था, मैंने उसको मारता, वो आपके लग गई। अरे कमबख्त, मुझे तो उन्होंने बहुत मारा, ऊपर से तेना मेरा तरबूजा फोड़ दिया। अब उन्हें कोसती रहेगी, जा किसी डॉक्टर को बुला ला। अजी आपके किसने मारा? या अल्लाह बेड़ा गर्क हो जाए, उनका नाश हो जाए, सत्यानाश हो जाए जिन्होंने आपको मारा। या अल्लाह कमबख्तों का। अबे मुझे पहले जुम्मन ने मारा, फिर मैं आ रहा था रास्ते में, फिर नवाब मिल गया, उसने मारा। अब जैसे तैसे सर बचा, यूं तेने फोड़ दिया। अल्लाह करे इनका बेड़ा गर्क हो जाए, इनका सारा खानदान मर जाए। अब उन्हें कोसती रहेगी, जा किसी डॉक्टर को बुला ला। अजी आप अंदर जाके लेटो, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। जल्दी लियाइए बुला के, मेरा तो दम निकला जा रहा है। हाय हाय हाय। रीना जी ये सब आपके खेत हैं। कल्लू आप आगे जाओ, वहाँ पर खेतों पे देखो पानी चल रहा है कि नहीं, इतने हम यहाँ पे खेत देखते हैं। जी। अरे जुम्मन जी सुनो, उस दिन आपको मेरे अब्बू ने पिटवाया था, उस दिन ज्यादा चोट तो नहीं लगी? मेरा चोट ज्यादा लगी कम लगी तो क्या, ले अपना काम कर चल। उस दिन मेरे अब्बू ने आपको पिटवाया, मुझे देखकर बहुत दुख हुआ। अच्छा वो तो दूर होगा। दूर हो गया? हाँ। कैसे? वो लुकमान को पीट के। क्या लुकमान को पीट कर? मेरा मतलब आपके अब्बू से पीट कर। वो तो ठीक होगा, वो तो दूर की बात है। ऐसा कर अपना काम कर, मेरा दिमाग खाली मत कर। आप तो नाराज हो गए। नाराज ना हो तो पूरा गाँव मिठाई बटवाऊं। नाराज हो गए, अपना काम कर, मेरा दिमाग खाली मत कर, जा निकल ले। ये साली फंसाने के चक्कर में है। मरीज को देखने जा रहा था। डॉक्टर साहब पहले मेरे घर चलो, मेरे आदमी की चोट लगी है। नहीं नहीं, पहले मैं मरीज को देख कर आऊंगा। मरीज बाद में देखना, पहले आप मेरे घर चलो। चलो आप जिद करती हो तो आपके साथ चल देता हूँ। डॉक्टर साहब इन्हें जल्दी से अच्छी दवा दे दो, ये तो पूरे फूटे पड़े हैं। हाँ लग तो रहा ऐसा जैसे फूटे पड़े हों। अच्छे फुट्टे पड़े, हाथ दिखाओ जरा। छोड़ दे छोड़ दे। लो छोड़ दिया। अरे डॉक्टर साहब मुझे क्यों दुखी कर रहे हो, मैं तो पहले फुटा पड़ा हूँ। भाई साहब पहले चेक तो कर लूँ तभी तो दवाई दूंगा। डॉक्टर साहब ये ठीक कह रहे हैं ना, ऐसी दवा दे दो, इनको आप ही उठा दो। ठीक है मैं उठा देता हूँ। देख खड़ा हो जा, खड़ा भी ना हुआ जा रहा। ये केस तो बड़ा गंभीर है, इन्हें बांधना पड़ेगा ताकि ये हिले डुले ना। ये हिले डुले तो इन्हें दर्द होगा। एक रस्सी ले आओ इन्हें बांधने के लिए। डॉक्टर साहब मुझे मत बांधो, साली बंधवाएगी भी मुझे। ऐसे नहीं लगेगा इंजेक्शन, तुम हिलोगे तो मेरी सुई टूट जाएगी। मुझे अपनी सुई भी तो बचानी है। बहन जी एक काम करो, आप रस्सी ले आओ। अच्छा डॉक्टर साहब अभी लाइए। हाँ ले आओ। ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। सही ना बंदा? हाय मर गया। ऐसे तो बड़े बड़े केस सही कर दिए मैंने। सही हो जाएगा बिल्कुल। अबे ऐसा बंदूक आगे मरवाएगी मुझे। ऐसे क्यों इंजेक्शन लगवावा है मेरे? कैसे कैसे इंजेक्शन लगवाएगी? अबे कैसे कैसे लगवाएगी मेरे इंजेक्शन तो? हाय मर गया। सो जा बेटे आराम से अब। एक काम करो, आप मेरी फीस दे दो, मैं चल रहा हूँ। वाह बेटा वाह, तू किसका? मैं बताऊँ पहले किसका हूँ? इधर बड़ा हरामी है, ये पूछ रहा पहले तुम बताओ तुम किसके हो? वाह बेटा किसका तू? मैं लुकमान का। लुकमान का? ओबे जैसा बाप ऐसी बेटा, पूरा हरामी है। हरामी है? ओबे डरता नहीं? नहीं डरे? नहीं डरे? ओबे डरता भी नहीं है ये तो, बाप की तरह हो रहा हो रहा। ठीक है बेटा ठीक है। लुकमान का जब फालतू बोल रहा है, फालतू बोलेगा, फालतू बोलेगा। जा निकल जा, जा निकल जा, जा। कभी फालतू बोला तू, फालतू बोलेगा, फालतू बोलेगा। बेटा लुकमान का बतला रहा। जुम्मन जुम्मन, अरे ओ जुम्मन, सारा दिन सोता ही रहे। जा बकरी के लिए घास लिया। भाभी तुम भी मुझे ऐसा काम बताती हो, कोई अच्छा काम बताओ। कोई अच्छा सा काम नहीं बता सकती तुम? बकरी का काम तो तेरे से होता ना है, अच्छा काम क्या करेगा तू? भाभी तुम मुझे पागल मानती हो, मैं पागल नहीं हूँ, मैं सब काम कर सकता हूँ, सब काम। हाँ जा बकरी के लिए घास लेके आ, ये भी अच्छा काम है। मुझे पता था तुम मेरे बकरियाँ चरवाओगी, और कुछ नहीं करवा सकती तुम मेरे पे। जुम्मन देख कोई काम बुरा नहीं होता, मेहनत और ईमानदारी से करो, सारे काम अच्छे होते हैं। मेहनत ईमानदारी अच्छी होती है, ये सही है। ठीक है तो ईमानदारी से करना चाहिए काम। ठीक है तो बजा रही हूँ, घास लेने जा रही हूँ मैं। मुझे तो कपड़े धोने हैं। कितना अच्छा पेड़ है, मन कर रहा है कि मैं इस पेड़ पे चढ़ जाऊं और कूदूं इस डाल से उस डाल पे। चलती हूँ। भाभी ने घास मंगाई है, भाई घास ला दूंगा, मेरे ईद पर नए कपड़े बनाएगी भाभी। भाभी मेरी बहुत अच्छी है वो, मगर मैं घास लूंगा कहाँ से? घास वास तो कहीं मिल नहीं रही। ऐसा करता हूँ सरकारी पेड़ आसानी का तोड़ देता हूँ, भाभी खुश हो जाएगी। सरकारी पेड़ की टहनी ले जाऊंगा तोड़ कर, भाभी खुश हो जाएगी। बेटे बच के चलाने नहीं आती साइकिल, कमबख्त मुझे गिरा दिया, मेरा चोट मार दी। हाय मर गई, तुमने मुझे क्यों मारा? हाँ मुझे क्यों मारा? एक तो तूने मेरे ऊपर साइकिल चढ़ा दी, साइकिल से टक्कर मार के मेरे पर बैठ गई और मुझे पूछ रही है मुझे क्यों मारा। पता है तुम्हें लड़कियों को मारते नहीं है। बस चुप कर अपना भाषण। हाँ लड़कियों को नहीं मारते, चल लड़की हमारे टक्कर मार दे, हमारे सर को फोड़ दे। तुम्हें पता है लड़कियाँ नाजुक कली होती है। कली? अभी तेरा बक्कल उतार दूंगा। मारोगे तो मैं अपने अब्बू से कह दूंगी। अब्बू से कह देगी? चल अब्बू से कह देगी, ठीक है तो ठीक है, अब्बू से मत कहना। निकल चल, निकल चल। तुम कितने अच्छे हो जुम्मन। बा मैं तो अच्छा हूँ, मगर तेरा अब्बू सही नहीं है। उस दिन पता मुझे लट से पिटवाया था उसने। वो तो तुम्हारी गलती थी ना, तुम अपनी बकरियों को हमारे खेत में चराते ना अब्बू तुम्हें पिटवाते। ऐसा कर जा, निकल ले, नहीं तो अभी सीधी कर दूंगा तुझे। ना जारी, जो तुम्हें करना है कर लो, तुम तो मूर्खो मूर्खी रहोगे। ठीक है, अगर तू नहीं जा रही तो मैं जा रहा हूँ। फंसा गई मानेगी। जुम्मन मूर्ख तो तुम नहीं, मैं हूँ जो अपना दिल दे बैठी हूँ। अबे ये ना कह रही थी जुम्मन तुम कितने अच्छे हो। देखता हूँ वाकई में मैं तो अच्छा हूँ, सुंदर हूँ, मैं तो हीरो हूँ। ही ना सही कह रही थी, सही कह रही थी ना, मैं बहुत सुंदर हूँ क्या बात है, शीशे के सामने खड़े होके बहुत मुस्कुरा रहे हो। भाभी मैं देख रहा हूँ क्या मैं खूबसूरत हूँ, हैंडसम हूँ। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? भाभी मैं नहीं कह रहा, वो हीना नवाब की लड़की वो कह रही थी। क्या कह रही थी? भाभी वो कह रही थी तुम कितने अच्छे हो, कितने खूबसूरत हो, कितने हैंडसम हो, कितने अच्छे हो। भाभी कह रही थी, मुझे कह रही थी। अच्छा हीना ऐसे कह रही थी? हाँ भाभी वो कह रही थी मैं शीशे में ये देख रहा हूँ मैं कैसा लगता हूँ, क्या मैं अच्छा लगता हूँ। भाभी तुम्हें पता है हीना ऐसे क्यों कह रही थी? क्यों कह रही थी भाभी? मतलब भाभी क्योंकि वो तुम्हें चाहती है और बहुत प्यार करती है। भाभी मुझे नहीं करना प्यार व्यार, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। अच्छा मत कर प्यार व्यार, जा बकरी को पानी पिला दे। फिर बतला दिया मुझे काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? कल तेरी शादी हो गई तो क्या खिलाएगा? कितनी कह लो, मुझे नहीं करनी शादी वादी, अभी पिलाता सारी बकरियों को पानी। जब देखो काम बतलाती रहे। नवाब साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए अब्दुल मियाँ। आइए जनाब। और बताइए कैसे आना हुआ? किसी काम से आए थे, सोचा नवाब साहब को दुआ सलाम करते चले। अच्छा किया, चलो इस बहाने दुआ सलाम तो होती रहेगी। अरे अब्दुल मियाँ एक काम था आपसे। बताओ काम बताओ जी। मैं ये कह रहा था कि हमारी लड़की हीना के लिए कोई अच्छा सा लड़का बताओ। ओहो वो अपनी लड़की हीना जवान होगी? हाँ हीना जवान हो गई माशाल्लाह। आपको किस तरह का लड़का चाहिए जी? अब्दुल मियाँ लड़का मुझे नेक दिल चाहिए, चाहे उस पे दौलत हो या ना हो, अल्लाह का दिया मुझ पे बहुत कुछ है। नवाब साहब मेरी नज़र में तो एक ही लड़का है, पता नहीं आपको वो पसंद आवे ना आवे। अच्छा तो जल्दी बताओ कौन लड़का है वो? नवाब साहब वो तो हमारे गाँव में ही रहे। क्या कहा? हमारे गांव में रहता है और हमें पता भी नहीं है? नवाब साहब आप उसे जानते भी हैं? हम जानते? ऐसा कौन लड़का भला? नवाब साहब वो है सलीम का भाई जुम्मन, बड़ा नेक लड़का है। क्या कहा अब्दुल मियां? जुम्मन और नेक दिल? ऐसा तो हो नहीं सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोलता नवाब साहब, मेरा कहना मान लो। ऐसा लड़का दूर दूर तक नहीं मिलेगा। हीना का निकाह जुम्मन से कर दो। तुम अब्दुल मियाँ कह तो ठीक रहे हो, मैं तो चलो कर दूं, लेकिन क्या वो करेगा? हमने तो एक दिन उस पर बड़ा लड़ फिरवाए थे। नवाब साहब कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहे, ये सब बात मुझ पर छोड़ दो, ये सब मेरी जिम्मेदारी है, काम पक्का करके दूंगा। ठीक है अब्दुल मियाँ, जैसा आप चाहो ऐसा कर लो, मैं तो हर तरीके से तैयार हूँ, बस मुझे तो लड़का दिल का नेक चाहिए। ठीक है नवाब साहब, अल्लाह के फजल से काम हुआ, मैं सलीम से बात करता हूँ, काम होगा। अच्छा साहब ठीक है, अच्छा सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अल्लाह, या मेरे मौला, तू बहुत रहमत वाला है, तू सबके काम पूरे करता, मेरा भी काम पूरा कर दे, आमीन। वालेकुम नवाब साहब। वालेकुम अस्सलाम। अबे कलवा, खेतों को देख के नहीं आए? जा रहा हूँ नवाब साहब। जाओ खेतों को देख कर आओ, कोई नुकसान ना कर जाए। जी नवाब साहब। अरे सलीम भाई है के घर पे? ओ सलीम भाई। कौन है भाई? आ जाओ अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। आओ अब्दुल भाई, कैसे आना हुआ? आना क्या हुआ सलीम भाई, वो तेरा छोटा भाई जुम्मन है नहीं, उसके रिश्ते के लिए आया हूँ। अच्छा जुम्मन के रिश्ते के लिए आए हो? कहाँ का रिश्ता है और कैसे लोग हैं, और जरा खुल के बताओ। सलीम भाई वे अपने नवाब साहब है नहीं, उनकी लड़की है हीना, बहुत खूबसूरत है, बस उसी का रिश्ता है। मैंने सब सुन लिया भाईजान, मुझे शादी वादी नहीं करानी, मैं तो अकेला ही ठीक हूँ। चुप कर और जाकर अब्दुल भाई के लिए पानी लेकर आ। ठीक है, पानी तो मैं ले आऊंगा, मगर शादी नहीं करूंगा। अब्दुल भाई, जुम्मन का कोई लगा बंधा काम तो है नहीं, फिर नवाब साहब हमारे यहाँ अपनी लड़की कैसे दे सकते हैं? वो सब मेरे पे छोड़ दो सलीम भाई, एक बार हाँ कर दो, बाकी सारा काम मेरा है। ठीक है अब्दुल भाई, जैसा आपको अच्छा लगे, हमें सब मंजूर है। अच्छा तो ठीक, मैं कोई सही सी तारीख देख के आपको बताता हूँ। पानी पियो और निकल लो। जुम्मन, ये क्या बदतमीजी है, बड़ों से ऐसे बातें की जाती हैं। चलो अब्दुल भाई से माफी मांगो। अब्दुल भाई से माफी मांगो। अब्दुल भाई जान मुझे माफ कर दो। जाओ, माफ कर दिया, खुश रहो, मौज ले। ठीक है, अगर तुम ऐसा निकल जाओ जब तक खुश रहेंगे। अच्छा सलीम भाई, मैं कोई जल्दी तारीख देखकर आपको इतला कर दूंगा। अच्छा अच्छा, सलाम वालेकुम अब्दुल भाई। वालेकुम सलाम। हाँ जल्दी निकल लो अब्दुल भाई, निकल लो। हाँ इतला करेगा